हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो टुडे आई एम कमिंग बैक विथ अनदर वीडियो लेक्चर ऑन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड बैक्टीरिया। एंड रिसेंटली आई हैड स्टार्टेड दिस टॉपिक एंड टुडे इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस दैट इज़ कॉन्जुगेशन, राइट। एंड आई कैन ऑल्सो suggest you, if you have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon and also share the link with your friends, right? So hum start karte hain with today's topic, right? So this topic of conjugation starts with an experiment, right? Some experiments were performed by various scientists, and first of all we will discuss those experiments, right? So now what happened in the year 1946, there were two scientists, Lederberg and Totem. These two scientists studied the auxotrophic strains of E. coli is a bacteria, and uske two strains the, that is auxotrophic strains means ये ऐसे स्ट्रेंस थे जिनके अंदर किसी तरह की क्या थी, म्यूटेशंस हो रखी थी, कुछ जीन्स जो है वो म्यूटेट हो रखे थे, राइट। सो देर आर टू स्ट्रेंस, एक था Y10 और Y24, राइट। सो देर वर टू स्ट्रेंस। अगर हम बात करें तो कितने स्ट्रेंस थे वहाँ पर हमारे पास, टू स्ट्रेंस थे Y10 एंड Y24। दीज टू स्ट्रेंस आर द auxotrophic strain of E. coli, right? So auxotrophic strain of E. coli, right? Now अब इनमें क्या था, the Y10 strain required the amino acids threonine, ल्यूसिन एंड विटामिन थायमिन। तो जो ये हमारे पास Y10 वाला जो स्ट्रेन है उसको रिक्वायरमेंट है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या क्या चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, कौन कौन से, थ्रियोनिन एंड ल्यूसिन, दिस टू आर द अमाइनो एसिड्स। एंड थायमिन क्या है, थायमिन एक विटामिन होता है, राइट। तो इसको अगर ग्रोथ करनी है, इस बैक्टीरिया ने अगर ग्रोथ करनी है कल्चर मीडिया के ऊपर, तो दैट कल्चर मीडिया शुड कंटेन दीज थ्री थिंग्स, टू अमाइनो एसिड्स एंड वन विटामिन, राइट। ऐसा क्यों, ये इसका रीज़न ये है कि जो ई कोलाई है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं है, मीन्स वो ये चीज़ें नहीं बना सकता है, ठीक है। तो हमें इन तीनों चीज़ों को कल्चर में देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ग्रो दैम, राइट। बट डिड नॉट रिक्वायर विटामिन बायोटिन एंड अमाइनो एसिड्स फिनाइल एलानिन एंड द सिस्टीन। फिनाइल एलानिन और सिस्टीन जो दो अमाइनो एसिड्स हैं ये उसको नहीं चाहिए, और बायोटिन विटामिन उसको नहीं चाहिए, वो उसके पास खुद है, राइट। सो बाय सीइंग दिस वी कैन कंक्लूड द जीनोटाइप ऑफ द स्ट्रेन, वी कैन से द जीनोटाइप ऑफ द स्ट्रेन, एंड दैट जीनोटाइप वुड बी, क्या जीनोटाइप होगी उसकी, वाई टेन वाले की जो जीनोटाइप आएगी उसमें सबसे पहले हमने बोला कि जो ल्यूसिन नेगेटिव, थ्रियोनिन नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास वो था विटामिन थायमिन, थायमिन भी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स थे सिस्टीन वो प्लस, फिनाइल एलानिन प्लस, और जो दूसरा विटामिन था दैट इज बायोटिन वो प्लस। तो ये हमारे पास जीनोटाइप बनेगा किसका, Y10 वाले स्ट्रेन का, राइट। अब हम Y24 की बात करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द Y24 स्ट्रेन, इट हैड द ऑपोजिट सेट ऑफ एलील्स, मींस इसका ऑपोजिट कर देना है। उसको जो Y10 को नहीं चाहिए था वो इसको चाहिए, समझ आई।
जो Y10 को नहीं चाहिए था उसको क्या क्या नहीं चाहिए था, सिस्टीन नहीं चाहिए था, फिनाइल एलानिन नहीं चाहिए था, बायोटिन नहीं चाहिए था, बट इस Y24 स्ट्रेन को वो चीज़ें चाहिए, फिनाइल एलानिन भी चाहिए, सिस्टीन भी चाहिए, बायोटिन भी चाहिए। तो मीन्स Y24 स्ट्रेन इन तीनों चीज़ों के लिए नेगेटिव रहेगा, राइट, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, राइट। और उसके पास उसको क्या नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए थ्रियोनिन, ल्यूसिन एंड थायमिन, राइट। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को दोनों अपोजिट शो हो रहे हैं, ठीक है, दोनों के जीनोटाइप अपोजिट हो रहे हैं, राइट। सो इन वन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जो लेटर बुक टॉटम ने इनको मिक्स किया एक साथ, ठीक है, मिक्स्ड Y10 एंड Y24 बैक्टीरिया टुगेदर एंड प्लेटेड दैम ऑन अ मिनिमल मीडियम। उसको किस पे रख दिया हम, उसने मिनिमल मीडियम में, एंड ईच स्ट्रेन वॉज ऑल्सो प्लेटेड सेपरेटली ऑन मिनिमल मीडियम। पहले तो मिक्स किया मिनिमल मीडियम में रख दिया, और साथ ही साथ उसने हर एक स्ट्रेन को अलग अलग सेपरेटली उसने मिनिमल मीडियम पे रख दिया। नाउ मिनिमल मीडियम क्या है, मिनिमल मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है दैट कंटेन्स ओनली द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्रोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इस टर्म एज द मिनिमल मीडियम। मीन्स वो न्यूट्रिएंट जो सिर्फ उसको चाहिए वही हम उसमें रखते हैं, राइट, तो उसको बोलेंगे मिनिमल मीडियम में। तो जब उसने दोनों को सेपरेटली रखा तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें Y10 वाला स्ट्रेन है और ये Y24। अगर हम इसका जीनोटाइप की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो थ्रियोनिन, ल्यूसिन एंड थायमिन के लिए नेगेटिव है, वेयर एज Y24 स्ट्रेन में थ्रियोनिन पॉजिटिव, ल्यूसिन पॉजिटिव एंड थायमिन पॉजिटिव, ठीक है, दोनों आपस में अपोजिट है। तो इसके अंदर ये तीन चीज़ें नहीं बनेंगी और इसके अंदर ये तीन चीज़ें नहीं बनेंगी, राइट। तो इसके बाद क्या किया, इनको सेपरेटली ग्रो करवाया मिनिमल मीडियम पे, सेपरेटली ग्रो करवाया मिनिमल मीडियम में। मीन्स मिनिमल मीडियम में हमने क्या क्या डाला, यहाँ पर हमने डाला पॉजिटिव वाली चीज़ें, यहाँ पर भी हमने डाली पॉजिटिव वाली चीज़ें, मीन्स नेगेटिव वाली चीज़ें हमने नहीं प्रोवाइड की। तो अगर हमने वो नेगेटिव वाली चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं की, उसको जो चीज़ चाहिए थी वही नहीं दी, तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो नेगेटिव वाली चीज़ें हैं, जो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि थ्रियोनिन, ल्यूसिन और थायमिन उसको चाहिए, क्योंकि वो खुद से नहीं बना सकता है, वो हमने यहाँ पर नहीं दी। जब नहीं दी सो ना कोई भी हमें ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन ग्रो करता हुआ नहीं दिखा इस मिनिमल मीडियम पे। अब क्या किया हमने, इन दोनों को मिक्स किया। आप यहाँ पे देख सकते हो व्हेन स्ट्रेन्स Y10 एंड Y24 आर मिक्स्ड, मिक्स कर दिया हमने स्ट्रेन्स, और मिक्स्ड करने के बाद इसको हमने सेम मिनिमल मीडियम पे ग्रो करवाया, सेम मिनिमल मीडियम पे ग्रो करवाया, बट व्हाट यू हैव फाउंड, सम कॉलोनीज वर ग्रो, कुछ कॉलोनीज वहाँ पर ग्रो कर गई, ठीक है। और जब हमने उसके जीनोटाइप को देखना चाहा, उसके जीनोटाइप में सब चीज़ें प्लस प्लस हो गई थी, बट वन थिंग यू कैन सी ओवर हेयर, ये रेड है और ये ब्लू है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो देर इज़ अ रिकॉम्बिनेशन टेक स्पेस, यहाँ पे देख सकते हो देर इज़ अ रिकॉम्बिनेशन टेक स्पेस। मीन्स यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जो नेगेटिव उसका था एक का, दूसरे में वो पॉजिटिव था, ठीक है, तो आपस में इन्होंने कॉम्बिनेशन करके जो है इस तरीके का जीनोटाइप ले आए, और जब इस तरीके का जीनोटाइप आ गया तो वो ईजिली जो है वो ग्रो कर गए उस मिनिमल मीडियम के ऊपर, राइट। बट ये कब हुआ, जब हमने उन दोनों स्ट्रेन्स को मिक्स किया, राइट। सो यहाँ पर हम यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है, ये एक स्ट्रेन का जीनोटाइप, ये दूसरा स्ट्रेन का जीनोटाइप, जब इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, जब आप यहाँ से देख सकते हो क्रॉसिंग ओवर हुई, तो दोनों के जो ये दोनों के जो सेगमेंट्स थे ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुए, और एक्सचेंज होने के बाद हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है, इस तरीके का जीनोटाइप देखने को मिला, ठीक है। तो ये क्या था, प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन, ये ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन और ये प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन, और यही स्ट्रेन बना इसी वजह से वहाँ पर
कॉलोनीज ग्रो हुई, राइट। तो मिक्स करने के दौरान कुछ रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हुआ, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट्स थे जो हमें फाइनली उस टॉपिक तक लेकर जाते हैं, दैट इज़ कॉन्जुगेशन। आगे हम एक और देखते हैं। अब क्या था कि जब लेटरबैग और टॉटम ने मिक्स किए दोनों स्ट्रेंस को, फ्यू कॉलोनीज डिड ग्रो ऑन द मिनिमल मीडियम। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला वेयर हैड दे कम फ्रॉम, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव सब चीज़ें हो गई ये कहाँ से आई, ठीक है। अगर म्यूटेशंस रिस्पॉन्सिबल है तो देन सम कॉलोनीज शुड ऑल्सो हैव ग्रोन ऑन द प्लेट्स कंटेनिंग Y10 और Y24 alone। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इनको ग्रो करवाया, राइट, जब हमने इनको ग्रो करवाया तो उनका कहना ये था कि कहीं म्यूटेशंस हो चुकी होंगी, ठीक है। म्यूटेशंस की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो थ्रियोनिन जो था उसमें गेन ऑफ म्यूटेशन हुई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। ल्यूसिन में गेन ऑफ म्यूटेशन, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह की म्यूटेशन अगर हुई होंगी तो वो यहाँ पर भी हो सकती थी जब हमने दोनों को अलग अलग रखा है, क्योंकि म्यूटेशन तो कभी भी हो सकती है, उसका कोई कंसर्न नहीं है कि दोनों को मिक्स करना है। तो उन्होंने बोला कि अगर म्यूटेशन हुई होती तो यहाँ पर भी ग्रो कर जाना था, कोई ना कोई एक तो ग्रो कर ही जाना था, ठीक है, बट नहीं ग्रो हुआ। तो उन्होंने फिर ये बोला कि जो म्यूटेशंस हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्प्रॉबेबल, म्यूटेशंस होना इम्प्रॉबेबल है, संभव नहीं है, राइट। तो इसके बाद क्या था, अनदर एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय बर्नार्ड डेविस एंड इस, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ यूट्यूब एक्सपेरिमेंट। यूट्यूब वो ये वाला नहीं, यूट्यूब मीन्स यहाँ पर हमने एक ट्यूब यूज़ की जो कैसी थी, यू शेप की थी, ठीक है। तो यू शेप ट्यूब इन्होंने यूज़ की जिसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, और उसको किससे डिवाइड किया भाया, फिल्टर, और उस फिल्टर में छोटे छोटे पोर्स थे, ठीक है। इस फिल्टर को एलो करवा दिया लिक्विड मीडियम में टू पास फ्रॉम वन साइड ऑफ द ट्यूब टू अदर, मींस ये वाला जो फिल्टर है लिक्विड मीडियम को अपने थ्रू पास होने देता है, बट द पोर्स ऑफ द फिल्टर वर टू स्मॉल टू अलो द पैसेज ऑफ बैक्टीरिया। जो पोर्स हैं बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो छोटे होने के कारण बैक्टीरिया वहाँ से जो है वो नहीं पास हो सकते। तो दोबारा से दो ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स लिए के बैक्टीरिया के दोनों को अपोजिट साइड्स में जो है भरा गया, फिल्टर उधर डाला गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये एक स्ट्रेन दोनों ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन है, दोनों को फिट किया, ये फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये ए स्ट्रेन ये बी स्ट्रेन, ठीक है। और एक तरफ से क्या किया, एक तरफ से इसको कॉटन प्लग लगा दिया, दूसरी तरफ पिस्टन लगा दी ताकि सक्शन को अप्लाई किया जाए, ठीक है, प्रेशर अप्लाई किया जाए। तो जो सक्शन का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो मीडियम है उसके जो है वो मूवमेंट हो दोनों कंपार्टमेंट्स में, राइट। सो डिस्पाइट आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन इन द यूट्यूब, मींस उसमें कितना इंक्यूबेट किया उसके, उसको अगर हम छोड़ दें, बैक्टीरिया को प्लेट किया गया, मिनिमल मीडियम में निकाला, मीडियम मीडियम में रखा, बट वो ग्रो ही नहीं हुए, ठीक है। तो ये हमें ये शो करता है देर हैड बीन नो जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन द स्ट्रेन्स, मीन्स किसी भी तरह का जेनेटिक एक्सचेंज हुआ ही नहीं। जो हमने कहाँ पर देखा था, हमने यहाँ पर देखा था, इस तरीके का जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हुआ, राइट। बिकॉज वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिल्टर लगा है और फिल्टर के जो पोर का साइज है वो काफ़ी छोटा है, सो दैट बैक्टीरिया उसमें से पास नहीं हो। जब बैक्टीरिया ही नहीं पास हुए, मींस बैक्टीरिया ने आपस में कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, तो जिस वजह से उनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई तो वो मिनिमल मीडिया में ग्रो नहीं हुए। तो आपने क्या देखा, नो ग्रोथ, मींस किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इफ़ देर इज़ अ जेनेटिक व्हेन द जेनेटिक एक्सचेंज ऑलवेज रिक्वायर्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। जब भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा उसके लिए
क्या है, प्री रिक्विजिट फॉर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब तक कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा बैक्टीरियल सेल्स में तब तक जो है उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, राइट। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट्स हैं दोनों, एग्ज़ाम्स में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो आपको ये अगर समझ आए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है थम्सअप दे सकते हो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।